ओम समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्तमेषां समानम मंत्रम भिमंत्रेय वह समाने नवो हविसाजु होमी। जय संघ शक्ति। आज हम 41वां अवतरण करेंगे मेरी साधना का। मैं अपने मानस घट को शक्ति के जल से भरूं, पर सावधान, तमोगुण गुणाक्रांता आसुरी शक्ति उसमें निवास न करने लग जाए। विष का जन्म विनाशकारी होगा तो उसे सत्व की ओर उन्मुख कर दैवी शक्ति का आह्वान करूं, अमृत की बूंदें मिलाऊं उसमें। हाँ ठीक है, क्षात्र शक्ति का यही वास्तविक रूप है, निर्गुण से सगुण और सगुण से सत्वोन्मुखी बनाना है शक्ति को। तो आओ इसी आराधना में लग जाएं। पिछले अवतरणों में साधक ने शक्ति के जो विभिन्न रूप थे उन विभिन्न रूपों की प्रार्थना की, उस शक्ति का आह्वान किया, उस शक्ति का आह्वान किया जिसमें उसका जो साध्य था, उसकी साधना थी, या जिस साधन को वो काम में लेना चाहता था उसमें उस शक्ति का, शक्ति से वो ओतप्रोत हो जाए। इस अवतरण में साधक अपने मानस घट की जो शक्ति है, जो मानस घट है, उसको शक्ति के जल से भरना चाहता है। उसको एक मर्म समझ में आ गया कि सावधान, तमोगुण क्रांता आसुरी शक्ति उसमें निवास न करने लग जाए। जिस शक्ति से वो अपने मानस घट को भरना चाहता है, जिस शक्ति को वो अपने अंदर अर्जित करना चाहता है, उसमें तमोगुण क्रांता आसुरी शक्ति उसमें निवास न करने लग जाए। यानी उसको एक मर्म समझ में आ गया कि शक्ति दो प्रकार की होती है, एक आसुरी शक्ति होती है और एक देवीय शक्ति होती है। और जो आसुरी शक्ति होती है वो तामस भाव से या तमोगुण से या तमाक्रांता भाव से भरी रहती है, और जो देवीय शक्ति होती है वो सतोगुणी भाव से भरी रहती है। तो क्योंकि जो शक्ति है वो कैसी भी हो सकती है, हमने हिरण्यकश्यप का नाम सुना, उसके पास में भी एक शक्ति थी, और उसका संहार करने वाले नरसिंह अवतार का भी नाम सुना, उनके पास में भी एक शक्ति थी। हमने रावण और राम दोनों के पास में एक शक्ति को देखा, रावण की शक्ति भी थी और राम की शक्ति भी थी। और उसी राम रावण युद्ध में जो रावण का पुत्र था मेघनाद, वो जब अंत में एक इस प्रकार के यज्ञ करने की का प्रयास करता है और उस शक्ति का आह्वान करता है, लेकिन लक्ष्मण जी जाकर और उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और उस शक्ति को उसको नहीं प्राप्त करने देते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो शक्ति है ये सारी की सारी जो है उनको आसुरी शक्ति कहा गया है। इसलिए जो शक्ति है वो आसुरी है या देवीय है, यह इसमें महत्वपूर्ण बात है। इसलिए उसने सावधान रहने की बात की है कि सावधान, तमोगुण क्रांता आसुरी शक्ति उसमें निवास न करने लग जाए। तमोगुण क्रांता, इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, जो रावण की शक्ति थी, जो मेघनाद की शक्ति थी, या जो हिरण्यकश्यप की शक्ति थी, ये सारी की जो सारी शक्तियाँ हैं वो तमोगुण क्रांता हैं। उनके पास उस शक्ति में तमोगुण मिला हुआ था, तो इस प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो उसमें निवास न करे। विष का जन्म विनाशकारी होगा तो उसे सत्व की ओर उन्मुख कर दैवी शक्ति का मैं आह्वान करूं। जब यह शक्ति आसुरी होगी, जब यह शक्ति विष से भरी होगी, तो फिर वो विनाशकारी ही होगी। विष का जन्म विनाशकारी है, इसलिए जो साधक है वो चाहता है कि जिस शक्ति का उसने अपने मानस में या अपने आप को परिपूर्ण करना चाहता है वो एक दैवीय शक्ति हो, वो आसुरी शक्ति नहीं हो। इसलिए उस शक्ति को सत्व की ओर उन्मुख करना चाहता है, तो उसे मैं सत्व की ओर उन्मुख कर देवी शक्ति का आह्वान करूं। जब उस सत्व की ओर उसको उन्मुख करेगा और उस देवी शक्ति का वो आह्वान करेगा, यानी कि ऐसी जो सत्वगुणीय साधना है उसको मैं अग्रसर जब भी होगा साधक, तो वो फिर अमृत तुल्य होगी, उसमें वो अमृत होगा, उसमें अमृत मिला हुआ होगा, अमृत की बूंदें मिलाऊं उसमें, तो जब अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसके अंदर जब वो सत्व की ओर जाएगा तो वो अपने आप में ही अमृत है। क्योंकि जो तीन गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तो रजोगुण जब
सतोगुण के साथ में मिलता है तो अपने आप में ही अमृत प्राप्त होता है, वो अमृत होकर जीने वाला ही होता है। हाँ ठीक है, क्षात्र शक्ति का यही वास्तविक रूप है। हमने भी बात की सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की, तो जो रजोगुण है वो जब सतोगुण की ओर जाने का प्रयास करता है तभी वो क्षात्र शक्ति बनती है, वो तमोगुण की ओर जाएगा तो राक्षसी शक्ति बनेगी। लेकिन यहाँ क्षात्र शक्ति का वास्तविक रूप बताया है कि जब वो सतोगुण है, सतोगुण की ओर उन्मुख होता है हमारा रजोगुण, जो हमारी इच्छा और क्रिया है वो सतोगुण के साथ मिलती है तो फिर वो अमृत तत्व होता है, वो क्षात्रत्व होता है, तभी ये क्षात्र शक्ति बनती है। अन्यथा फिर वो तमोगुण के साथ जाएगा और तमोगुण के साथ जाने पर वो अपने आप में आसुरी शक्ति का उसमें संचार हो जाएगा। इसलिए जो क्षात्र शक्ति है उसका अर्थ ही यही हुआ कि जो सतोगुणीय शक्ति है वो सतोगुणीय शक्ति ही वास्तव में क्षात्र शक्ति है। तो यदि क्षात्रत्व आ गया तो फिर वो तमोगुण का उसमें प्रसार हो ही नहीं सकता, उसका वो संभव ही नहीं है। हमने महाभारत काल में भी अनेकों इस प्रकार के उदाहरण देखे हैं। तब महाभारत में पर एक ही परिवार में एक ही कुल में जन्मे, उसी कुल में अर्जुन जन्मा है, उसी कुल में दुर्योधन जन्मा है, लेकिन जो अर्जुन है उसको हम क्षात्र शक्ति या उसको हम सतोगुणीय भाव या हम उसको देवीय शक्ति मानते हैं, और जो दुर्योधन है उसको हम तमोगुणीय या राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मानते हैं। तो इसी प्रकार से महाभारत में घटोत्कच का भी नाम आता है, उसने राक्षस कुल के अंदर जन्म लिया लेकिन जो उसका कर्म था, उसका कर्तृत्व था, वो एक क्षत्रिय के अनुकूल था, क्षात्रत्व के था, इसलिए हम वो क्षात्र शक्ति का एक उसका वो प्रतीक बन गया। तो क्षात्र शक्ति का यही वास्तविक रूप है। निर्गुण से सगुण और सुगुण सगुण से सत्वोन्मुखी बनाना शक्ति को, तो आओ इसी आराधना में लग जाएं। तो जो शक्ति हर जगह व्याप्त है लेकिन प्रकट में नहीं है, वो परमेश्वर जो निर्गुण है, जो निर्गुण स्वरूप है, जो दिखाई नहीं देता है, हमारी इंद्रियां जिनको अनुभव नहीं कर सकती है, जिनको देख नहीं सकती है, जिनको छू नहीं सकती है, उसका आह्वान साधक कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? उसको सगुण रूपधारी बनाने के लिए, उसको सगुण रूप में कि वो दिखे, वो शक्ति है वो किसी न किसी प्रतीकात्मक रूप में मुझे दिखने लग जाए और उसे मैं मानूं कि यही वास्तव में शक्ति है। उसे प्रकट रूप में करने के लिए उस सत को उन्मुख, सत की ओर उन्मुख करूं। जब वो प्रकट रूप में आ जाए, जब सगुण को सत्वोन्मुखी बनाना है, जब वो निर्गुण है वो सगुण बन जाए तो उस सगुण को भी मैं सत्वोन्मुखी बनाऊं, उस सत की ओर जो रजोगुण था उसको सत की ओर मैं उन्मुख करने का प्रयास करूं, इसके लिए वो आराधना करता है। इसलिए आओ हम इसी आराधना में लग जाएं। इसके लिए वो साधना करने की बात करता है, उस व्यवहार में लाने की बात करता है, उस कर्म में लगने की वो बात करता है। 42वां अवतरण। मुझे संतोष नहीं है केवल तेरे गुणगान करने में, यह तो वृद्ध अपंगों का काम है। मुझे मान्य नहीं है तेरा स्वरूप शब्द चित्रण, यह तो कवियों के मस्तिष्क का व्यायाम है। मैं स्वीकार नहीं करता तेरी व्याख्या और लीला वर्णन को, यह खाली बैठों की निष्क्रियता है। तेरा केवल मानसिक चिंतन भी एकांगी और अपूर्ण है। मैं तो मन वचन और कर्म में तेरी शक्ति का आह्वान करता हूँ। शरीर मस्तिष्क और आत्मा में तेरा साक्षात निवास चाहता हूँ। बोल, स्वीकार है माँ? पिछले जो 38, 39, 40 के जो हमने पीछे अवतरण देखे हैं, और उन अवतरणों में साधक ने माँ शक्ति के रूप में जो बाहर दिखने वाला सूर्य एक चिन्ह है उनका वो गुणगान करता है। जैसे साधारणतः यह सारा संसार जिस प्रकार से पूजा अर्चना करता है, दीपक वगैरह जलाता है, अगरबत्ती करता है, आरती करता है, घंटियां बजाता है, और ऐसा ही वो साधक भी इसी प्रकार से वो प्रयास कर रहा था। इस अवतरण में साधक को समझ में आ जाता है कि वास्तविक जो आराधना है वो ये आराधना नहीं है वास्तविक, उसको इस आराधना से संतोष नहीं होता है। इस तरह से जो गुणगान करता है उससे उसको संतोष नहीं होता है। उसका कहना यह है कि मुझे संतोष नहीं है केवल तेरे गुणगान करने में, यह तो वृद्ध अपंगों का काम है। इस तरह से जो उस मां का गुणगान करता हो वो वृद्ध है या अपंग है, और ऐसे ही लोगों का काम है।
यानी जो निशक्त हैं उनका काम है, जो शक्तिहीन है उनका इस प्रकार का काम है, इसलिए उसको इस प्रकार का संतोष नहीं मिलता है। मुझे मान्य नहीं तेरा स्वरूप शब्द चित्रण, यह तो कवियों का मस्तिष्क व्यायाम है। वह इस बात को अमान्य कर देता है, मान्य नहीं है, अमान्य कर देता है कि उसके जो स्वरूप है उसका शब्दों से चित्रण किया जाता हो। जैसे पिछले अवतरणों में आया है कि वह स्वयं इसी प्रकार से अलंकार लगाकर उनका गुणगान कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये तो केवल कवियों की कल्पना है, कवियों की कोरी कल्पना है, उनके मस्तिष्क की थोड़ी सी मेहनत है। यहाँ लिखा है कि उनके कवियों के मस्तिष्क का व्यायाम है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यावहारिक कुछ नहीं है। जो कमरे में बैठकर आराम से बैठकर इस प्रकार की जो कविताएं लिखते हैं उसमें वो व्यावहारिक ज्ञान नहीं आ सकता, जो वास्तविकता है वो नहीं आ सकती है। मैं स्वीकार नहीं करता केवल तेरी व्याख्या और लीला वर्णन को। तो साधक कहता है कि मुझे यह भी स्वीकार नहीं है कि मैं तेरी केवल व्याख्या है वो सुंदर शब्दों से करता रहूं। मैं स्वीकार नहीं करता केवल तेरी व्याख्या, लीला और वर्णन को, तेरे जीवन की व्याख्या या तेरे जीवन की गाथा या तेरे जीवन की जो लीला है मैं उसका वर्णन करूं, उसको सुंदर सुंदर पुस्तकों का रूप दूं, उन सुंदर सुंदर पुस्तकों में मुझे छपवा दूं, ये तो केवल निष्क्रिय और जो खाली बैठे लोग हैं ऐसे व्यक्तियों का कार्य है। जिनके पास में समय है ऐसे जो बुद्धिवादी लोग हैं उनका इस प्रकार का काम कार्य है, इस प्रकार की लीलाओं का वर्णन करना, इस प्रकार से किताबों में छपवाना, इस प्रकार से व्याख्याएं करना। तो ये केवल व्याख्या करना, केवल लीलाओं का वर्णन करना, केवल कथाओं का निर्माण करना, ये सारी की सारी भी मैं इसको भी स्वीकार नहीं करता हूँ। तो केवल मानसिक चिंतन भी एकांगी और अपूर्ण है। इसी प्रकार से आगे साधक कह रहा है केवल मन द्वारा चिंतन करना, उसका ध्यान करना, यह भी जो साधक है उसके दृष्टिकोण में एकांगी और अपूर्ण साधना है। ये एकांगी का मतलब अकेले अकेले की साधना है। साधक ने पहले ही अपने को व्यष्टि समष्टि और परमेष्टि की हमने बात की है अनेक अवतरणों में, उसी से संबंधित है कि ये एकांगी साधना है। और जो एकांगी साधना है वो एकांगी साधना जो ये साधक है वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो क्या करना चाहता है उसका आगे आया है कि जो मैं तो मन वचन और कर्म में तेरी शक्ति का आह्वान करता हूँ, शरीर मस्तिष्क और आत्मा में तेरा साक्षात निवास चाहता हूँ। साधक है वो मन वचन और कर्म तीनों से उस शक्ति का आह्वान करना चाहता है, यानी जो मानसिक रूप में भी और शब्दों के रूप में भी और उसको कर्तव्य के रूप में भी व्यवहार में लाकर भी उसे एक क्रियात्मक संज्ञा देकर उस साधना को वो करना चाहता है। साधक तो चाहता ही है कि जो शक्ति मेरे शरीर में प्रकट हो वो मेरे मस्तिष्क में भी प्रकट हो, शरीर मस्तिष्क और आत्मा में, कि शरीर में भी प्रकट हो रही है, मस्तिष्क में भी नजर आए और मेरी आत्मा में भी वो बस जाए। केवल वह तो अपने अस्तित्व के हर अंग में को शक्तिशाली बनाना चाहता है उस शक्ति के द्वारा। वह देवी से ऐसा आग्रह कर रहा है कि आग्रह मेरा स्वीकार करो, ऐसी जो प्रार्थना है वो देवी से वो कर रहा है और पूछता है क्या वो आपको स्वीकार है क्या माँ। तो कुल मिलाकर इस अवतरण में के अनुसार साधक उस शक्ति का जो शक्ति का संचय करना चाहता है, लेकिन कोई आरती करके नहीं, किसी प्रकार के कोई मंदिरों को सजा कर नहीं, या स्पीकर और लाउड स्पीकरों के ऊपर माँ के जो भजन है वो गाकर नहीं, बल्कि यथार्थ रूप में उस शक्ति का वो संचय करना चाहता है और उस शक्ति का संचय करके और इस प्रकार से वो बात करना चाहता है। वो चाहता है कि जो मन वचन और कर्म है उस शक्ति को मैं अर्जन करने का प्रयत्न करूं, मन से भी वचन से भी और कर्म से भी। इस प्रकार का वो संकल्प भी लेता है कि मैं मन वचन जो कर्म है उसके अंदर उसके अनुसार मैं काम करूं। मन वचन कर्म से अर्थ है जैसे मेरा मन, जैसा मेरा मन है वैसे ही मेरे वचन हो, वैसे ही मैं बोलता हूं और वैसे ही मैं यदि कर्म करता हूं तो ये मन वचन और कर्म जैसा हो जाता है। रामचरितमानस के जो किष्किंधा कांड है उसमें भी जब वानरों को सीता जी की खोज का बड़ा दायित्व सौंपा गया तो सुग्रीव के मुंह से आदेश निकलवाए गए हैं और तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि मन क्रम वचन सो जतन विचारे हु श्याम ही सर्व भाव छल त्यागी।
इस चौपाई में तुलसीदास जी ने मन वचन और कर्म को मन वचन कर्म से उस कर्म को करने की हिदायत दी है। क्योंकि होता यह है कि हमारे मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, इसलिए यहाँ जो साधक है वो भी मन वचन और कर्म से एक होकर उस शक्ति का आह्वान करता है और उस शक्ति के साथ में उसको प्रकट रूप में अपने अंदर साक्षात निवास चाहता है। इसलिए फिर कहता है माँ क्या वो स्वीकार है। अगला 43वां अवतरण, माँ शक्ति के क्षेत्र में तेरी सर्वोत्तमता की परंपरा को मैं जीवित रखना चाहता हूँ। एक अजेय और अखंड शक्ति का निर्माण मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। यह कैसे होगा माँ, मेरे अकेले के शक्ति संपन्न होने से? नहीं, समाज के प्रत्येक घटक को समान रूप से शक्तिशाली बनाकर सांघिक शक्ति का निर्माण करने से। तो इसके लिए जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत साधना की आवश्यकता होगी। कैसे प्रारंभ करूं इस साधना को मैं? जैसे पिछले अवतरण में आया है कि साधक ने यह तय कर लिया कि मैं शक्ति का केवल गुणगान ही नहीं करूंगा, मैं केवल उसकी कोई व्याख्या ही नहीं करूंगा, बल्कि मन वचन और कर्म से उस शक्ति का आह्वान कर शरीर और मस्तिष्क में और आत्मा में उस साक्षात शक्ति का मैं निवास कराना चाहता हूँ। यहाँ साधक उस शक्ति की जो महत्ता है उसके प्रभाव का संदेश दे रहा है। वो कहता है कि हे माँ, शक्ति के क्षेत्र में तेरी सर्वोत्तमता की परंपरा को मैं जीवित रखना चाहता हूँ। कि जो शक्ति की महत्ता है उसके प्रभाव का संदेश वो दे रहा है। वो कहता है हे माँ, शक्ति के बारे में तुम्हारा कोई सानी नहीं है, तुम्हारी जो शक्ति के क्षेत्र में सर्वोत्तम परंपरा है, तो इस जो सर्वश्रेष्ठ परंपरा है, ये सर्वोत्तम परंपरा है, उसको भी मैं बनाए रखना चाहता हूँ, मैं उस परंपरा को जीवित रखना चाहता हूँ। एक अजय और अखंड शक्ति का निर्माण मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये कैसे होगा माँ, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, एक अजय और जो अखंड शक्ति है उसका निर्माण करना, लेकिन ये कैसे होगा? उसके प्रश्न उठता है इस प्रकार का, मेरे अकेले की शक्ति संपन्न होने से? नहीं, समाज के प्रत्येक घटक को समान रूप से शक्तिशाली बनाकर सांघिक शक्ति का निर्माण करने से। ये जो प्रश्न उठा उसके कि मैं जो कर सकता हूं, क्या मेरे अकेले के शक्ति संपन्न होने से क्या इस प्रकार का हो जाएगा? और आज कलयुग है और कलयुग में आया है कि संघे शक्ति कलो युगे, क्योंकि आगे जवाब आता नहीं, समाज के प्रत्येक घटक को समान रूप से शक्तिशाली बनाकर। जब कलयुग में इस प्रकार का संदेश है कि संघे शक्ति कलो युगे, यानी कलयुग में जो संगठन है उसमें ही शक्ति है, उसको जब कलयुग में जब शक्ति है, जो संगठन है, उस संगठन को यदि हम शक्तिशाली बनाएंगे तो ही हम शक्तिवान बन सकते हैं। इसलिए जो समाज का जो प्रत्येक घटक है उसको शक्तिशाली बनाना होगा और तब जाकर इस प्रकार की एक सांघिक शक्ति है उसका निर्माण होगा। पूज्य तन सिंह जी ने अपने आप में स्वयं एक शक्ति स्रोत थे, लेकिन क्योंकि वे अकेले शक्तिशाली होने से समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता, हमने आज पीछे देखा है, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, उन्होंने क्षत्रिय संघ की स्थापना की और जो अपनी विशिष्टता थी उस अपनी विशिष्टता को समाज के प्रत्येक जो सामान्य व्यक्ति था उसकी विशेषता बनाने के लिए ऐसे एक साधना बना दी, एक प्रकार की एक साधना प्रारंभ कर दी, जिसके अभ्यास से एक सांघिक शक्ति का निर्माण हो सके। तो इसके लिए जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत साधना की आवश्यकता होगी। जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत साधना की आवश्यकता होगी। कैसे प्रारंभ करूं इस साधना को मैं? साधक कहता है कि इसलिए एक जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत साधना। पूज्य तनसिंह जी का उदाहरण देखें, हम क्षत्रिय योग संघ का उदाहरण देखें, तो क्षत्रिय योग संघ भी एक ऐसी ही साधना दी तनसिंह जी ने कि जो कि जीवन के हर क्षेत्र में एक व्यापकता दर्शाती है, जीवन का जो हर पहलू है उस हर पहलू को वो छूती है। क्षत्रिय योग संघ एक ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन के हर क्षेत्र में हमारे काम आता है। और इसके साथ ही ये जो साधना है, क्षत्रिय योग संघ की जो साधना है, वो काल सापेक्ष भी नहीं है। हमारे पिछले पहले आया है कि जो क्षात्र धर्म है वो देश काल और परिस्थिति है उसके निरपेक्ष है।
जो क्षत्रियोग सिंह की जो साधना है वो जीवन के हर पहलू को छूती है। संघ ऐसा कार्यक्रम है जो जीवन के हर पक्ष में काम आता है। इसके साथ ही जो ये साधना है वो जीवन पर्यंत है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है, जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत कभी समाप्त नहीं होगी। तो श्री क्षत्रियोग सिंह की जो साधना है वो काल सापेक्ष भी नहीं है। जैसे पिछले अवतरणों में हमने पढ़ा है कि क्षात्र धर्म है वो देश काल और परिस्थिति है उसके निरपेक्ष ही है, तो क्षत्रियोग सिंह की जो साधना है वो भी देश काल और परिस्थिति के निरपेक्ष ही है। ये निरंतर चलने वाली साधना है, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक तीनों गुण जो सत है, रजो है और तम है, ये तीनों गुण विद्यमान रहेंगे, तब तक जो क्षत्रियोग संघ का काम है उसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। तो यहाँ भी साधक यही बात कह रहा है कि जीवन व्यापी और जीवन पर्यंत साधना के ऐसी साधना का निर्माण करूँ जिससे वो जीवन पर्यंत चलते रहे और जीवन के हर क्षेत्र में वो काम आने वाली हो, जीवन कोई भी चीज़ अछूती नहीं रहे, इस प्रकार की वो साधना करना चाहता है। कैसे प्रारंभ करूँ इस साधना को मैं? और यहाँ साधक उस साधना को प्रारंभ करने की बात कर रहा है और सोच रहा है कि मैं इस जो मेरी साधना है इसको मैं किस प्रकार से प्रारंभ करूँ और इस किस प्रकार से मैं इसको चला सकता हूँ, किस प्रकार से मैं शक्ति संपन्न हो सकता हूँ। ये आगे के अवतरणों में इस प्रकार से अब साधना प्रारंभ होने वाली है, क्षत्रियोग संघ का जन्म होने वाला है और उस प्रकार से निर्माण होके उसमें किस प्रकार से आगे का काम होगा ये सारा इसमें बताया गया है। ओम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संसार।